हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्राफ्ट विद शुभम। आज हम गुपचुप का पानी और चटनी बनाने जा रहे हैं। आइए देखते हैं बिना इमली के पानी पूरी का पानी कैसे तैयार करते हैं। उसके लिए हमने इस तरह से पुदीना ले लिया है, इसमें हरा धनिया डाल देंगे, दो तीन हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इसमें आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे, एक चौथाई चम्मच नमक, ये इतना गुड़ डाल देंगे, एक टीस्पून गुड़ डाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी चटनी हो गई है। अब हम इस चटनी को इस गंजी में निकाल लेंगे। इसमें बची बची चटनी है, उसमें हम इस तरह पानी डाल देंगे और पानी डाल के पूरी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों कितना दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है, उतना ही खाने में टेस्टी होगा। अब इसके बाद में हम इसमें अब हम यह फीकी बूंदी मिला देंगे जो हमने पहले ही तैयार करके रखी थी। ये देखिए दोस्तों, और कई लोगों को इमली नहीं चलती है, इमली हम इसमें इमली ना डाल के इस तरह से यह जलजीरे के तो हम पैकेट मिला देते हैं। इस तरह से यह हमारा पानी बनकर तैयार हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, यह हमारा पानी बनकर रेडी हो चुका है। गुपचुप का पानी रेडी हो चुका है। अब हम उसके लिए आलू की चटनी तैयार करेंगे। अब हम आलू की चटनी बनाने जा रहे हैं। हमने चार आलू उबाल लिए हैं और इन्हें हम छील लेंगे। हमारे चारों आलू छीलना हो गया है। अब हम इस तरह से इसे हाथ से ही बारीक कर लेंगे। हो चुका है बारीक। अब हम इसमें हमने एक बारीक प्याज काट के रखा है, एकदम बारीक बारीक, उसको डाल देंगे। उसके बाद आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून जीरा। यदि आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें लाल मिर्च अधिक मिला सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मिला देते हैं इस तरह से बारीक काट के। अब हम इसे चम्मच से मिक्स कर लेंगे। यही इसमें का पानी थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह हमारी चटनी तैयार हो गई है।
यह पानी पूरी का पानी है और यह चटनी है। एक बार आप इसे ट्राई करके अवश्य देखिए। यहाँ ठेले वाले के पास की जो आप पानी पूरी खाते हैं उसमें जो पानी और चटनी रहती है यह सेम उसी प्रकार की लगेंगी। अब इसमें हम यह हमने गुपचुप तल के रख ली है, इसमें हम चम्मच की सहायता से ही ऐसी चटनी डाल लेंगे। सभी में थोड़ी थोड़ी चटनी डाल लेंगे और फिर इसमें यह गुपचुप का पानी भर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारे गुपचुप बनकर तैयार हो चुके हैं। चटनी और पानी इसका तैयार हो चुका है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा खट्टा और मीठा आता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। धन्यवाद।